डिस्कस द एसाइनोटिक कॉन्जेनेटल हार्ट इफेक्ट्स. सो कॉन्जेनेटल हार्ट इफेक्ट्स में एसाइनोटिक मच मोर कॉमन होता है देन द साइनोटिक. देन एसाइनोटिक का क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक तो वो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से हो सकता है, दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव लेशंस हो सकता है. तो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से जो लेशंस होते हैं उसको शंट लेशंस बोलते हैं, एंड ये मोस्टली लेफ्ट टू राइट होता है. सो लेफ्ट एट्रियम से या तो राइट एट्रियम में जाता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में. तो लेफ्ट एट्रियम से अगर राइट एट्रियम में जा रहा है तो एट्रियल सेप्टम में डिफेक्ट आता है, तो उसको ESD बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर राइट वेंट्रिकल में जाता है तो उसको VST यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं. एंड तीसरी चीज़, एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में जा सकता है ब्लड. तो वो दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है? डक्टस आर्टोरियोसिस. तो इस कंडीशन को बोलते हैं PDA, दैट इज पेरेंट डक्टस आर्टोरियोसिस. सो ये क्यों होता है? पल्मोनरी आर्टरी में ओवरलोड हो जाता है, इसलिए फिर लंग का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से होता है. और ऑब्स्ट्रक्टिव लेशंस में क्या आएगा? फ्लो ऑफ ब्लड जो है ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है, दैट फ्लो ऑफ ब्लड जो एओर्टा में आता है. तो एओर्टा में जो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा. नाउ हम VST के बारे में देखते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. तो ये मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉन्जेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट होता है. एंड VST में डिफेक्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं इसके? डिफेक्ट्स या टाइप्स दोनों बोल सकते हैं. पहला तो पेरी मेम्ब्रेनस VST होता है, जिसमें ओवरऑल मोस्ट कॉमन VST होता है ये. एंड सेकेंड मस्कुलर VST होता है, तो इसमें हाई चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस क्लोजर होता है. एंड इसमें क्या होता है कि इसी का एक टाइप होता है जो जिसमें कि स्मॉल बट न्यूमरस डिफेक्ट्स आ जाते हैं मस्कुलर सेप्टम में, उसको स्विस चीज़ VST बोलते हैं. लेकिन ये जो स्विस चीज़ VST है ना, उसके स्पॉन्टेनियस क्लोजर के चांसेस कम होते हैं. नाउ नेक्स्ट है सब एओर्टिक, थर्ड वाला, सब एओर्टिक या आउटलेट या सुप्रा क्रिस्टल VST. तो इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेनस VST यहाँ पे हमने लेबल किया, डायग्राम है यहाँ, एओर्टा, एओर्टिक वॉल्व, मेम्ब्रेनस सेप्टम एंड मस्कुलर सेप्टम. ये तो हम इसके बारे में देखते रहते हैं, सब एओर्टिक या आउटलेट या सुप्रा क्रिस्टल VST. तो ये हाई रिस्क होता है इसमें एओर्टिक रिगर्गिटेशन का, कभी भी स्पॉन्टेनियसली क्लोज नहीं होता है ये, और हमेशा इंडिकेशन होता है क्लोजर के लिए. नाउ फोर्थ, इनलेट VST होता है, इसमें हाई रिस्क होता है मिट्रल रिगर्गिटेशन का. नाउ VST का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में हाई प्रेशर रहता है, राइट में लो प्रेशर रहता है. तो अगर हाई से लो प्रेशर में जा रहा है तो टर्बुलेंस प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से मर्मर प्रोड्यूस होता है. और मर्मर का जो कौन सा टाइप का होता है? पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है. देन इसका लोकेशन क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्व की तरफ रहता है इसका लोकेशन. एंड इसको शंट मर्मर या रोगर्स मर्मर भी बोलते हैं. लोकेशन इसका मोस्टली लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रहता है, नियर द स्टर्नम. सो इसको पैरास्टर्नल एरिया बोलते हैं, वहाँ पर मिलता है ये मर्मर. देन यहाँ पे फ्लो डायग्राम से इसको दिखाया गया है कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, एंड वो फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, तो उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, एंड फिर लंग्स का कंजेशन हो गया, इसके कारण हार्ट का भी कंजेशन हो सकता है. तो ये है. देन फ्लो मर्मर्स में इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है जो कि पल्मोनरी वॉल्व रीजन में होता है, एंड सेकेंड डिलेड डायस्टोलिक मर्मर होता है जो कि मिट्रल रीजन में होता है. तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है तब ये होता है एक, एंड दूसरा फ्लो मर्मर पल्मोनरी वॉल्व की तरफ जो डायग्राम में शो है. तो टोटल ब्लड फ्लो यहाँ से जा रहा है, इसीलिए ये मिट्रल रिगर्गिटेशन के चांसेस है मिट्रल रीजन में डायस्टोलिक मर्मर के. नाउ VST में एक्सरे में क्या दिखता है? एपेक्स ऑफ हार्ट जो है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, तो ओवरलोडिंग हो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, इसलिए एनलार्जमेंट हो जाता है उसका. तो एपेक्स जो है पहले ऐसा नॉर्मली दिख रहा होता है जैसे डायग्राम में, एंड एनलार्ज्ड जब होता है तो कैसा दिखता है? थोड़ा सा ऐसे कॉन्वेक्स हो जाता है जैसे डायग्राम में दिख रहा है. देन चेस्ट एक्सरे में क्या दिखता है? डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड पुशिंग ऑफ द एपेक्स, है ना. देन कंजेशन, हार्ट का कंजेशन हो जाता है, तो हार्ट का साइज इंक्रीज होता है, यानी कि कार्डियोमीगली हो जाता है. और उसको फिर हम मेजर कैसे करते हैं? कार्डियोथोरेसिक रेशियो जो है ना, वो एक क्राइटेरिया होता है जिससे कि कार्डियोमीगली को कंफर्म करते हैं हम. तो उसको कैसे देखते हैं? एक तो कार्डियक डायमीटर देखते हैं उसमें,
लॉन्गेस्ट कार्डियक डायमीटर एक्चुअली, जो कि ए प्लस बी होता है, मतलब चेस्ट एक्सरे में जो दोनों साइड दिख रहा होता है उसको हम सम अप करते हैं। एंड दूसरा लॉन्गेस्ट थोरेसिक डायमीटर दिखता है, वो भी चेस्ट एक्सरे में कैलकुलेट करते हैं। देन ए प्लस बी अपॉन सी करते हैं हम, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्डियक डायमीटर अपॉन लॉन्गेस्ट थोरेसिक डायमीटर, तो उसको बोलते हैं कार्डियो थोरेसिक रेशियो। और वो अगर ग्रेटर देन 0.55 रहेगा तो ओल्डर चिल्ड्रन में हम कार्डियोमिकली कंसिडर करते हैं, एंड इन्फेंट्स में अगर ग्रेटर देन 0.6 रहेगा तो कार्डियोमिकली कंसिडर करते हैं। देन VHD के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? एक तो लंग का कंजेशन होता है जो कि रिकरेंट निमोनिया कॉज करता है। देन सेकेंड कार्डियक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाता है, और ये अराउंड 6 to 10 weeks आफ्टर बर्थ होता है। ये हार्ट के कंजेशन के कारण होता है, और क्योंकि पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है इस पीरियड में, इसलिए हार्ट का कंजेशन हो जाता है। एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि लंग्स में जाता है और अल्टीमेटली हार्ट में जाता है। और थर्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, ये मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन होता है, और मोस्ट कॉमनली जो इसका रीज़न होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है। अब VHD के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? तो कॉम्प्लिकेशंस ही देख रहे थे एक्चुअली हम। फोर्थ वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो आइजनमेंगर सिंड्रोम है। तो आइजनमेंगर सिंड्रोम क्या होता है? हाई ब्लड फ्लो रहता है पल्मोनरी आर्टरी में, और अगर वो फ्यू ईयर्स तक बना रहता है तो इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है सारे एंडोथेलियल डिसफंक्शन के कारण। तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है इसलिए इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, और वस्कुलर रीमॉडलिंग भी हो जाती है ना, तो इसलिए भी इरिवर्सिबल चेंज आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या नैरोइंग हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी की, तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, दैट इज़ RVH। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है VHD से, एंड फिर अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जो है मिक्स हो जाता है, एंड एओटा में चला जाता है वो, एंड एओटा में फिर जाता है तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एओटा में उसका अमाउंट बढ़ जाता है, एंड इसलिए वो साइनोसिस को लीड करता है। तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई है और हाई प्रेशर है, इसीलिए राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। तो इसको रिवर्सल ऑफ शंट बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली लेफ्ट से राइट जाता है। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है आइजनमेंगर सिंड्रोम के? साइनोसिस एंड दूसरा क्लबिंग। नाउ VHD का ट्रीटमेंट क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट तो ये होता है कि CCF का कंट्रोल करना होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को, वो डिजेक्शन और फ्यूरोसमाइड से करते हैं, एंड सेकेंड इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है निमोनिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन CSF। देन सर्जिकल क्लोजर बेस्ट मैनेजमेंट होता है इसका, तो ये डैक्रॉन पैच क्लोजर से भी किया जाता है। एंड इसका इंडिकेशन क्या होता है? बॉडी अगर टॉलरेट नहीं कर पा रही है हार्ट फेलियर को तो फिर हम ये करते हैं। तो उसको कैसे पता चलता है कि हार्ट फेलियर टॉलरेट नहीं कर पा रही है? तो एक तो फीचर्स आते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के, दूसरा QP:QS रेशियो, दैट इज़ पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज टू सिस्टमिक ब्लड फ्लो का जो रेशियो है ना वो ग्रेटर दैन 2:1 हो जाता है। देन थर्ड इंडिकेशन है सुप्रा क्रिस्टल VHD हो जाता है। एंड कॉन्ड्रा इंडिकेटेड कब होता है? सर्जिकल क्लोजर VHD प्लस आइजनमेंगर सिंड्रोम है अगर, क्योंकि आइजनमेंगर सिंड्रोम अगर रहेगा तो इरिवर्सिबल चेंज आता है पल्मोनरी आर्टरी में, और अगर सर्जिकल क्लोजर भी हम कर दिए तो फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। सर्जिकल मेथड्स कौन से होते हैं? डैक्रॉन बैच क्लोजर एंड सेकेंड कैथेटर बेस्ड क्लोजर, जो कि ऑक्लूडर डिवाइस से किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दैट इज़ ESD। सो ये 5 to 10% ऑफ ऑल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में होता है। और इसके टाइप्स क्या होते हैं? तो दो टाइप के सेप्टम होते हैं, एक तो सेप्टम सेकेंडम होता है जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है, और दूसरा सेप्टम प्राइमम होता है जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो इसलिए कंडीशंस भी इसकी दो टाइप्स की होती है। तो एक तो हो गया ऑस्टियम सेकेंडम, जो कि सेप्टम सेकेंडम में डिफेक्ट होता है ESD, एंड ये मोस्ट कॉमन ESD होता है। एंड दूसरा टाइप का ESD है ऑस्टियम प्राइमम ESD। तो इसमें क्या बोलता है? ऑस्टियम प्राइमम ESD में मिट्रल वॉल्व डिफेक्ट्स मिलता है, तो मिट्रल वॉल्व का या तो प्रोलैप्स हो जाता है या मिट्रल रिगर्गिटेशन हो जाता है। देन रेयर टाइप्स में और क्या क्या आता है इसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल्स लेफ्ट एट्रियम से जब कोरोनरी साइनस में ब्लड चला जाता है तो उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, ये अनरूफ्ड कोरोनरी साइनस के कारण होता है। देन सेकेंड साइनस वीनोसस ESD होता है, जो कि जंक्शन ऑफ सुपीरियर वीना कावा एंड राइट एट्रियम के बीच में डिफेक्ट के कारण होता है। तो
तो इसका नाम बस याद रखना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो था ना ओस्टियम प्राइमम में, उसमें मिट्रल वॉल्व डिफेक्ट्स के साथ साथ हाई रिस्क ऑफ कंडक्शन डिफेक्ट्स भी हो जाता है। तो ASD की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।